हेलो क्लास टाइम वेलकम टू एडियो वेडियो फ्लाइवरसी गुप्ता आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर फाइव दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इससे पहले बच्चों हमने जितने लेक्चर्स इस चैप्टर से कवर अप किए हैं वी हैव इन जर्नी एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट जो कि कैटेगरीज ऑफ हमारे नेचुरल वेजिटेशन के या फॉरेस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है आज का हमारा टॉपिक है मॉन्टेन फॉरेस्ट एंड मेन ग्रूव फॉरस्ट ठीक है बहुत ही अपने आप में अलग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इनके भी जो कि हम प्रेजेंटेश के थ्रू पिक्चर्स के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे ठीक है और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसके बावजूद कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं विद नो हेजिटेशन साथ में मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर है क्लास नाइन ये आपके इस साल के सिलेबस का लास्ट टॉपिक है दैट सेशन बीस और का ओके <coughs> okay. इसके साथ हमारा जो, जो जोग्राफी का सिलेबस है वो रेस्ट करेगा लेकिन आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में क्योंकि ये तो अपडेट होता रहता है इस साल है हो सकता है नेक्स्ट ईयर कोई और चैप्टर एड ऑन या डिलीट ऑन हो जाए तो ये सब चलता रहेगा तो आप सिर्फ उतना ही सिलेबस पढ़ेंगे जितना की आपका स्पेसिफाइड है इन द सेशन ओके okay. और क्या सिलेबस है क्या डिटेल है ये सब लाइव लेक्चर्स में डिस्कस किया है मैंने कई बार तो जितने बच्चों के पास इनकी डिटेल्स नहीं है जाके लाइव डिस्कशन की प्लेलिस्ट में से जरूर चेक करें कि इस साल का सिलेबस पैटर्न क्या है ओके विद दिस आई होप आपको अब तक के सारे टॉपिक्स क्लियर होते जा रहे हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं वापस से कहूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में उसको क्लैरिफाई जरूर करें उसकी क्वेरी जरूर दें बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सारे बच्चे फीडबैक्स दे रहे हैं और सवाल जवाब भी कर रहे हैं बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करते रहिए और यही मोटिवेशन है विंग्स का जो कि मेरा एक और चैनल है उसका भी यही एक मोटिवेशन है वो है चेंज ओके okay? कि हम पढ़ाई के स्तर पर जब पढ़ रहे हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड देन वी नीड टू ग्रास्प इट इन टू अवर सेल्फ नॉलेज को अपने अंदर ग्रास करना है उसको रटना नहीं है ठीक है और हिस्ट्री और एस एस टी इज जिससे बच्चे हमेशा so से डरते आए हैं सो यू नीड नॉट टू वरी एनी मोर आराम से पढ़िए, यू हैव वेरियस वेरियस स्ट्रैटेजीज टू स्टडी फॉर एग्जाम्पल आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप नोट मेकिंग कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप स्टोरी बना सकते हैं ठीक है जो कि जैसे कि हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया है समरीन स्टोरी तो आ, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है जो आज नए जुड़ रहे हैं वो काइंडली हिस्ट्री की प्ले में जाए और वहां से कोई भी लेक्चर देखें ठीक है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी वन डाइस लेक्चर समरीन स्टोरी का बना हुआ है वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं सो so, अब बहुत सारी बातें हो गई हैं अब थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं और उसके बाद बातें तो चलती रहेंगी करते रहेंगे हम लोग और लाइव सेशन में प्रॉब्लम भी डिस्कस करते ओके सो लेट अस बिगिन विद माउंटेन फॉरेस्ट एंड देन वी फॉलो मैंग्रोव राइट एक चीज और बता दू, ये चैप्टर के नोट्स में नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर के नोट स्लाइड में ऑलरेडी मौजूद है आप चाहे तो स्लो करके या आप चाहे तो पॉज करके या एक बार पूरा देख के अपनी मेमोरी के लिए आप खुद से उसकी नोट मेकिंग कर सकते हो बिल्कुल शार्प एंड प्रिस नोट्स तो आपको लेक्चर्स में दे ओके, सो लेट्स बिगिन माउंटेन फॉरेस्ट स्टूडेंट यू कैन सी इन द इमेज अबाउट माउंटेन फॉरेस्ट एंड हाउ इट लुक लाइक ओके तो देखो जैसा कि नाम है इसको पढ़ना इसको समझना बहुत आसान है कि ये माउंटेन फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे यू कैन फाइंड देम इन माउंटेन्स ठीक है या एलडेड पे मिलेंगे जहाँ पे बहुत ऊंचाई होती है अब ऊंचाई के हिसाब से यानि कि कितनी ऊंचाई है ठीक है उस अल्टीट्यूड के हिसाब से माउंटेन फॉरेस्ट की वैरायटी बदल जाती है ठीक अब कैसे कैसे बदल जाती है व्हील स्टडीड? सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं माउंटेन फॉरेस्ट में कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी यानी कि ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा ये बात तो वैसे भी अंडरस्टूड है कि हम जितना ऊपर जाते जाते हैं पहाड़ पे हम जितना ऊंचा जाएंगे उतना ऑक्सीजन का अवेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि पेड़ पौधे कम हो जाते हैं और ग्रीनरी ग्री कम होती है तो टेम्परेचर क्या होता है वो डेफिनेटली डिक्रीज होता है ठीक है तो ये सबको अंडरस्टूड होगा तो यह हमारा पहला पॉइंट रहेगा और इसी वजह से हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं इस फॉरेस्ट में क्योंकि क्या है कि जब आप पहाड़ पर नीचे हो तो हरियाली ज़्यादा है जैसे जैसे आप ऊपर गए वैरायटी भी बदलेगी और साथ में ग्रीनरी का लेवल भी बदलेगा क्योंकि ऊंचाई पर ज्यादा सस्टेनेबिलिटी प्लांट्स को नहीं मिल पाती है ओके okay. सो so जैसे जैसे सक्सेशन होगा वैसे वैसे, वैसे हमारी वेजिटेशन बेल्ट में बदलाव महसूस होगा तो ट्रॉपिकल से चलते चलते जब हम टुंडरा रीजन पर पहुंचते हैं यानी कि एक वो स्थिति जहाँ पे हम, हम बिल्कुल नीचे हैं एक पहाड़ के और वहां से हम उस लेवल तक पहुंच रहे हैं जहाँ पे एकदम ठंड है और स्नो है और बर्फ से ढका हुआ है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते हमें बहुत वैरायटी मिलेगा जैसे कि आप देखो हजार से दो हजार मीटर का जो एल्टीट्यूड रहेगा वहाँ हमें टेम्परेट टाइप के वेट टेम्परेचर का फॉरेस्ट मिलेगा ठीक है तो वेट टेम्परेचर के फॉरेस्ट में आपको कैसी मिलेंगी ब्रॉड लीव्स चौड़े चौड़े पत्तों वाली एवरग्रीन लीव्स पेड़ों की मिलेंगी जैसे कि ओक हो गया कैश्यूनट हो गया बहुत आम है ये दोनों पेड़ ओक और कैश्यूनट्स हमें हज़ार से दो हज़ार मीट आ, मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं बहुत आसानी से बहुत चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं इनकी और वेट टेम्परेचर रहता है ठीक है नमी रहती है मॉइस्चर रहता है इसलिए आसानी से मिल भी जाता है फिर थोड़ा सा आप ऊपर बढ़ोगे इसका मतलब क्या हुआ पंद्रह सौ से तीन हज़ार की आप मीटर की ऊंचाई पर अगर पहुंच गए बच्चों तो वहां पे ये टेम्परेचर बदल जाता है टेम्परेट फॉरेस्ट का थोड़ा सा फर्क आएगा टेम्परेचर में और टेम्परेचर में फ़र्क आने की वजह से हमें कॉनीफेरेस्ट ट्रीज मिलेंगे अब कॉनी ट्रीज क्या होते हैं छोटे चोड़ छोटे क्लासेस में कॉनीफेरेस्ट फॉरेस्ट पढ़ाया जाता है बच्चों को वो अलग कैटेगरी बना दी जाती है क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते लेकिन अब आप बड़े हो गए तो आपको समझना है कॉनी फॉरेस्ट नहीं होता कॉनी ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट तो माउंटेन में ही लगता है ये ठीक है अब कॉनी फेरेस्ट क्या होता है देखो याद करना बहुत आसान है कॉनी मीनस कोना ऐसे याद कर सकते हो कोना मतलब जिसमें शार्प एजेस हो नुकीले बिल्कुल मैं क्लियरली बोल रही हूँ नुकीले जो पत्ते होते हैं जिसकी शार्प एजेस होती हैं वो कॉनीफेरिस्ट ट्रीज के होते हैं और वो इस तरीके के इस एल्टीट्यूड पे डेढ़ हजार से तीन हजार की ऊंचाई वाले फॉरेस्ट माउंटेन फॉरेस्ट में मिलते हैं अब कौन से ट्रीज हुए ये बच्चों पाइन सिल्वर सिल्वरफर स्प्राउट्स या सदार सदार बहुत कॉमन है पाइन बहुत कॉमन है पाइन तो आप जानते हो आप लोगों ने देखा भी होगा ठीक है तो ये बहुत कॉमन है जो उस तरीके के ट्रीज हमें मिलते हैं यहाँ पे अब ये जो फॉरेस्ट मिलेगा ना बच्चों ये सधन पे हिमालयस के कवर करता है ये मैं लोकेशन बता रही हूँ हिमालयस का जो साउथ वाला जो स्लोप है सधर्न स्लोप है वहां बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है गैनी फॉरेस्ट और आप और ऊंचा अगर बढ़ गए हिमालयस पे यानी कि आप हार एल्टीट्यूड्स पर आ गए जहाँ पर जनरली छत्तीस सौ की मीटर की ऊंचाई है सी लेवल से वहाँ आपको ग्रासलैंड्स मिलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि वहाँ जो वेजिटेशन होता है वो एल्पाइन होता है ये नाम याद रखना एल्पाइन एल्पाइन एल्पाइन, एल्पाइन वेजिटेशन में बच्चों हमें किस तरीके के पेड़ मिलेंगे सिल्वर फॉर ठीक है यूनिपर्स पाइन्स ब्रिंचज इस तरीके के पेड़ हमें ज़्यादा मिलेंगे अब मैं आपको ये बता दूं कि एल्पाइन वेजिटेशन वहां मिलेगा जहां पर बर्फीला इलाका होगा ठीक है अलग ही यहाँ के पेड़ पौधे होते हैं और उनकी प्रोग्रेसिवली स्टैंड हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं जाके उनकी अप्रोच जो है वो एक स्नो लाइन पर रुक जाती है क्योंकि बर्फ गिरने लगती है अब बर्फ़ गिरेगी तो आप समझ रहे हो ना मॉइस्चर लॉक होता जा रहा है तो उस वजह से कहीं ना कहीं स्टेग्नेस हो जाते हैं वो लोग तो अल्टीमेटली शॉब्स और स्क्रब्स और ग्रासलैंड्स इस तरीके की चीज़ें आपको मर्ज मिलेंगी अल्पाइन वेजिटेशन में और इस तरीके का जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बचों ट्राइब्स के द्वारा जो नोमैडिक ट्राइब्स होती है ना वो अपने जानवरों को ग्रेस करवाने के लिए लेकर जाती हैं और वो जनरली इतनी ऊंचाई पर रहती हैं सेफ रहती हैं ठीक है जैसे गुज्जर्स और बकरवाल्स की जो ट्राइब थी उन्होंने बहुत समय तक इनफैक्ट अभी भी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी वो वहाँ के रेसिडेंस है ठीक है और टुंड्रा वेजिटेशन आपका आ गया इससे भी ऊपर अल्पाइन से भी ऊपर अगर कोई वेजिटेशन है कोई फॉरेस्ट है तो वो टुंड्रा है और टुंड्रा में आपको मोजेस और लीचंस मिलेंगे मोजेस और लीचन्स मैं फिर से बोल रही हूँ ये मेंशन नहीं है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं मोजेस एंड लीचंस ठीक है तो ये हमारे अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से एक ही फॉरेस्ट कवर हो गया हमने शुरू किया हमारे ट्रॉपिकल से फिर हम टेम्परेट पर आए उसके बाद हम कॉनिफेरस पर आए फिर हमने एल्पाइन देखा फिर हमने टुंड्रा देखा जहाँ पे हमने और लीजें देखे एंड दिस हमने एक पूरी बेल्ट कवर कर ली वहाँ फॉरेस्ट की क्लियर है अब बड़ा कॉमन सा सवाल मैम कौन से एनिमल्स मिलेंगे तो बच्चों एनिमल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ के कश्मीर स्टैग देखने को मिलेगा स्पॉटेड डियर मिलेगा वाइल्ड शीप आमतौर वाली शीप जंगली शीप होती हैं यहाँ पे जैक रैबिट एंटीपोल टिबिटियन एंटीपोल याक स्नो लेपर्ड स्क्वार ठीक है रेड पांडा बच्चों को बहुत आसानी से याद हो जाता है नाम ही कितना खूबसूरत है रेड पांडा पांडा तो सब जानते हो ना रेड लगा देना रेड पांडा शीप गोट जिनके बहुत मोटे मोटे हेयर होते हैं जिसकी फर बनने में काम आते हैं वो तो इस तरीके के एनिमल्स जो कि बहुत आसानी से याद हो जाए जैसे रेड पांडा शीप गोड तो थिक इस के एनिमल्स आपको माउंटेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे ठीक है तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग है मतलब अगर आप समझते जा रहे हो ना तो आपको ऐसे ही याद होता चला जा रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब यहां पर हम माउंटेन फॉरेस्ट के फीचर्स को रेस्ट कर रहे हैं और अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट फॉरेस्ट एंड दैट इज मैनग्रुव फॉरेस्ट अब सिमिलरली जैसा नाम है वैसा ही ये फॉरेस्ट है ये हमें कहाँ मिलेगा सवाल है मैन ग्रुव फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलेंगे पिक्चर देख के सोचो कहां मिलेंगे जस्ट लुक एट द इमेज एंड ट्राई टू ग्रास्प कि एन आइडिया कि ये कहाँ होते होंगे अगर देखोगे तो पानी पानी है और पानी के ऊपर पेड़ पेड़ हैं तो पानी कहाँ होता है पानी होता है कोस्टल एरियाज में ठीक है तो कोस्टल एरियाज में हमें मैनग्रूव फॉरेस्ट मिलेंगे और ये ज़्यादातर फॉरेस्ट बनते हैं टाइड्स से जो टाइड आती है ना जो टाइड्स जो कोस्टल एरियाटेड होते हैं उसकी वजह से यहाँ पर मैनग्रूव फॉरेस्ट बनना शुरू हो जाते हैं मड और सिल्ट बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको कोस्ट पर डेंस रूट्स मतलब पेड़ों के छोटे छोटे प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है इन फॉरेस्ट में छोटे छोटे प्लांट होते हैं और छोटे छोटे प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो हमेशा पानी में रहती है सब रहती है डूबी रहेंगी पानी में और बहुत कॉमन वेराइटी के यहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं कौन कौन से डेल्टा पर मिलते हैं यानी कौन कौन सी नदियाँ हैं जहाँ पर आप देख सकते हो बहुत आमतौर पर ऐसे मनरूफ फॉरेस्ट गंगा हो गई महानदी कृष्णा कावेरी गोदावरी यहाँ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा सब वेजिटेशन ठीक है मिल तो आपको ब्रह्मपुत्र रेल पे भी जाता है जिसको हम सुंदरबन फॉरेस्ट कहते हैं जहाँ पे सुंदर ट्रीज मिलते हैं तो वो अपने आप में एक वैरायटी के साथ फेमस है सुंदरबन फॉरेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट के नाम से ठीक है अब इस फॉरेस्ट की क्या खास बात है भाई जब रूट्स जो है वो पानी में रहती हैं तो वो हमें क्या बढ़िया सी चीज़ देती होंगी तो बढ़िया सी चीज़ जो हमें मिलती है वो मिलती है हमें हार्ड टिम्पर ठीक है ड्यूरेबल हार्ट टेम्बर मतलब बहुत समय तक चलती है वो और पाम सुना होगा आपने कोकोनट ठीक है सब जानते हैं कि भैया अगर कोस्टल एरियाज में कोई चीज़ मस्त मिलती है तो वो नारियल पानी मिलता है तो याद रखना ठीक है इस तरीके के हमें बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती हैं अब बात करेंगे एनिमल्स ये वन मार्क क्वेश्चन है ये पूछा जाता है मैंग्रूव फॉरेस्ट का एक बहुत फेमस एनिमल बताइए तो बहुत फेमस है इसलिए पूछा जाता है और वह है रॉयल बेंगाल टाइगर टाइगर बंगाल टाइगर सबने सुना होगा कौन से फॉरेस्ट में मिलता है मैनग्रूव में, में मिलता है और ये एक बहुत ही प्रचलित प्रजाति है बच्चों सुंदरवन फॉरेस्ट की आपने जब भी, भी सुंदरवन फॉरेस्ट पढ़ा होगा या उसके बारे में कभी कुछ स्टडी किया होगा या सुनने को मिला होगा सबसे पहला नाम आया होगा रॉयल बंगाल टाइगर तो वैसे ही याद रखना सुंदरबन मैनग्रूव फॉरेस्ट है क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पे मिलता है सुंदरी ट्रीज़ है वहां पे और वहां पे एक बहुत फेमस एनिमल है दैट इज रॉयल बंगाल टाइगर ठीक है और भी एनिमल्स टोटल क्रोकोडाइल घरियाल्स स्नेक ये भी हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं तो मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बहुत ईजी है बहुत छोटा है और स्वीट सा है ठीक है कोई भी परेशानी हो देखो बच्चों एनसीआरटी का सारा कंटेंट उसमें रहता है एक एक लाइन मैं एक्सप्लेन करती हूँ बताती हूँ लिख कर भी देती हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमारा फोकस है बोर्ड एग्जामिनेशन तो हम उस पर रहेंगे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप जो चाहे वो सब पूछ सकते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए और पूछिए ठीक है कोई डाउट है तो क्लियर करिए आपको याद करने में आसानी हो जाएगी पैटर्न तो मेरा यही रहता है कोशिश यही रहती है और ट्यून रहिए सबसे ज़रूरी बात है जो नेक्स्ट लेक्चर्स आ रहे हैं उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा थॉर्न फॉरेस्ट ओके थॉर्न एंड शर्ब्स फॉरेस्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे साथ में हम वाइल्ड लाइफ भी देखेंगे जो कि हमने अभी तक नहीं देखी है क्योंकि अभी हम सिर्फ नेशनल वेजिटेशन पढ़ रहे हैं सो so, बने रहिए स्टे ट्यून रहिए आने वाले सारे लेक्चर्स को फॉलो करिए कोई डाउट है पूछिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को अगर आपको पसंद आ रहा है तो और हाँ लाइक जरूर करिए क्योंकि लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं सो कीप लाइकिंग कीप शेयरिंग स्टे ट्यून स्टे हेल्दी बाय